हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल हमेशा की तरह ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, रात के 10 बज गए हैं, अभी शादी में जाना है। इमिडिएटली एक मित्र का फ़ोन आ गया था कि उसने लगभग 1-1.5 साल पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि 99 स्टोर का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस टाइम एक बूम है उसका कि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे करना चाहते हैं 99 बिज़नेस के नाम से। हर सामान 99 रुपये, ठीक है, जैसे पहले हर सामान 10-20 रुपये बिकते थे, तो उस टाइम अच्छा सामान है और हर सामान 99 रुपये यानी 100 रुपये बिकता है। तो इसका पूरा शोरूम होता है, फ्रेंचाइजी होती है, बिना फ्रेंचाइजी के भी आप बेच सकते हैं। तो बेसिकली उसने फ्रेंचाइजी ली थी, तो 1.5 साल पहले उसने मुझे फ़ोन किया था कि यार बताओ अच्छा है। तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छा है, बिज़नेस, हर बिज़नेस अच्छा होता है। तो उसने कहा अरे यार सही बताओ, शुरू करना है, पूरा मन बना लिया है मैंने, पेमेंट भी दे दिया है पार्टी वाले को, शोरूम भी लगभग तैयार होने वाला है। तो मैंने कहा फिर क्यों पूछ रहे हो भाई मतलब सब कुछ जब रेडी है तो फिर दिक्कत क्या, स्टार्ट करो यार। कहा यार ठीक है। मैंने कहा ना बहुत बढ़िया बिज़नेस है, बस ये ध्यान देना यार स्टार्टिंग में कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो थोड़े जाके खरीदना, जो तुमको लगे कि नहीं ये चीज़ जेन्युइन है, आदमी की नीड है, ज़रूरत वाली चीज़ है और 99 में मिल रही है तो लोग ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो इस पे फोकस करना और जाके लेना हमेशा सामान जब तक तुम्हें एक्सपीरियंस ना हो जाए, क्योंकि वो एकदम फ्रेशर था, एकदम समझ लो जॉब से निकला था, प्राइवेट जॉब से एकाएक प्राइवेट जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हुआ, तो उसे तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं था और ना उसके पूरे परिवार में था। तो इसी वजह शायद वो डर रहा था तो मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा यार मैंने भी बहुत जगह नुकसान सहा है, बिज़नेस में तो नुकसान होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी उसी का फ़ोन आया था तो उसने कहा यार मेरे पास 3.5 लाख का स्टॉक है जो पिछले 4-5 महीने से ब्लॉक पड़ा हुआ है, बिकी नहीं रहा है वो और वापस भी नहीं जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरा 3.5-4 लाख रुपये उसके फंसे हुए हैं। उसमें शीशे के आइटम बहुत ज़्यादा हैं, चीनी मिट्टी के, जैसे कप प्लेट वगैरह आइटम है, कुछ कपड़े हैं और कुछ बच्चों के खिलौने हैं। तो अब देखो, अब कपड़े खिलौने ये सब पुराने हो चुके हैं, खिलौने तो बिक भी सकते हैं लेकिन कपड़े ज़्यादातर है उसके पास, लगभग 2 लाख से ऊपर कपड़े हैं जो कि 100 रुपये MRP। अब कपड़े ख़राब होते हैं आज के डेट में दोस्तों, कपड़े सस्ते हैं बट 100 रुपये में आप कौन सी वैरायटी का कपड़ा किसी को दे देंगे कि वो लेगा। अभी वो रिटर्न नहीं है क्योंकि 99 स्टोर में रिटर्न पॉलिसी होता नहीं है, बिल्कुल नहीं रिटर्न लेने के लिए तैयार है। हालांकि हो सकता है बात करने पे आगे ले भी लें, ठीक है, कुछ किया जाएगा उसके लिए आगे। लेकिन जो लोग 99 स्टोर बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ अभी कि 99 स्टोर जब आप स्टार्ट करने के लिए जाएं तो अगर आपके पास तजुर्बा नहीं है तो आप कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट उठाएं 99 जो आपको वाकई जेन्युइन लगे कि नहीं यार ये तो 99 में यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि हम सभी लोग शॉपिंग करते हैं घर के लिए तो इतना तो तजुर्बा है कि हम लोग जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट 99 में यानी 100 रुपये में अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट 100 रुपये में नहीं अच्छे हैं, ठीक है। तो उसको लें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना उठाएं। जैसे मैंने उसे पहले ही उस टाइम बताया था कि यार देखो अगर किचन के प्रोडक्ट रखो तो किचन के ही सारे प्रोडक्ट रखो, या प्लास्टिक के फर्नीचर टाइप का कोई प्रोडक्ट है तो वही रखो, सब प्रोडक्ट मत रखना क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं 99 में। आप हर चीज़ आप रखोगे तो फिर मेल कटने लगेगा आपका। किसी स्पेशलिस्ट चीज़ में जैसे आप कोई अगर 99 स्टोर में आपको कपड़े का खोलना है तो वही खोल लो, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ ये कपड़ा बिकेगा, क्वालिटी क्या है कपड़े की। तो कम से कम ये कोई आएगा नहीं यार यहाँ पे 100 रुपये फेंकना है कपड़ा लेके चलना है, 100 रुपये फेंकना है किचन के प्रोडक्ट लेके चलने हैं, 100 रुपये फेंकने हैं प्लास्टिक के आइटम लेके चलने हैं, 100 रुपये फेंकने गिफ्ट लेके चलने हैं। तो ये आदमी को लगे तो एक निस में वो घुसो क्योंकि उसमें वैरायटी पर वैरायटी आप रख सकते हो। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप न रखें तो बेहतर होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत सारी चीज़ें लेके आप चल पाएंगे, ठीक है। और बिज़नेस में देखिए शुरुआत में जो कुछ भी, जो कोई भी जब बिज़नेस की स्टार्टिंग करता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती बिज़नेस के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जब 99 स्टोर आप खोलें तो पहले 99 स्टोर जो भी आपके आसपास में उसे विजिट करें और देखें कि लोग क्या क्या बेच रहे हैं 90 स्टोर में।
और उनसे बात करने की कोशिश करें, देखें काउंटर में क्या क्या लगा है, कस्टमर क्या ज़्यादा ले रहा है, तो बात तो कर सकते हैं। दो तीन शोरूम में घूम के कुछ आप भी ले लो 150 का प्रोडक्ट यार, हैं ठीक है। अब 99 की जगह 49 भी आ गया है तो ठीक है, बिजनेस खराब नहीं है, कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता, वो भी बिजनेस बेहतरीन है, लोग लाखों कमा रहे हैं उस बिजनेस से, बट कोई लोग नहीं भी कमा पा रहे हैं। तो क्या जिस बिजनेस में लोग फेल होते हैं, क्या उस बिजनेस में लोग पैसे नहीं कमाते हैं, उसमें भी कमा रहे हैं। हम आप फेल हो सकते हैं, लोग फेल सकते हैं, कोई तो सक्सेस है तो क्यों है, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखो बिजनेस कोई खराब थोड़ी होता है यार, हर बिजनेस में लोग पैसे कमा रहे हैं, हर बिजनेस में लोग लाखों कमा रहे हैं, हर बिजनेस में लोग नहीं भी कमा रहे हैं। तो अपना एक तजुर्बा रखिए, अगर नहीं है तो पहले लीजिए तजुर्बा, ठीक है, सीखिए वीडियोस के माध्यम से सीखिए, कोई अगर आपको मेंटोर करता है तो उसकी बातों को सीखिए, कोशिश करिए कि जानने की, अगर आपके पास कम बजट है, कम पैसे में आपको स्टार्ट करना है तो सीखिए बिजनेस को। अभी ज़्यादा पैसे हैं तो कोई बात नहीं है, दो चार बिजनेस बंद हो जाएगा तो आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं शादी में, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ समझ में आई होगी, हालांकि बहुत जल्दी वीडियो ये शूट हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको नहीं बता पाता हूँ जैसे हर वीडियो में, ठीक है, तो यार उसके लिए क्षमा करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।